और शौकत से रहने वाले अरिंदम चौधरी पर जल्द होगी पुलिस की कार्रवाई। डिग्री चाहिए तो ना जाए IIPM। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सागर के सभी न्यूज चैनलों पर। IIPM पर FIR। बाबा। मैं तो भूल ही गया था। थोड़े थोड़े सिक्के डालने से देखो कितने पैसे हो गए। चलो जल्दी से चप्पल पहन लो, आज मेरे साथ दुकान पे चलना है। बच्चों का दिमाग गुल्लक की तरह होता है और पढ़ाई उसमें धन। बात तो सही है बाबूजी। तो रोज बच्चों को स्कूल भेजा करो, स्कूल में रोज पढ़ने से बच्चों का दिमाग चलेगा, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज। केंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर वन वाटर प्यूरिफायर। IMC से प्रमाणित केंट आरओ का पानी बॉइल्ड पानी से भी सेफ है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। हमारे साथ हैं उत्तराखंड में संसदीय सचिव राजकुमार जी, जिनसे हम बात करेंगे राज्य में चल रही बिजली पानी की समस्याओं पर, साथ ही बात करेंगे कांग्रेस की राजनीति पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सारदा न्यूज। नमस्कार श्रीवास्तव जी। राजकुमार जी, एक चीज नहीं समझ में आता, क्या कारण है कि गर्मी बाद में आती है, बिजली पानी की समस्याएं पहले आ जाती हैं? देखिए, तापमान तो लगातार बढ़ रहा है और तापमान में जैसा कहा गया है कि जितने ट्यूबवेल्स हैं, मिनी ट्यूबवेल्स हैं, हैंडपंप हैं और जितने भी हमारे ओवरहेड टैंक बने हुए हैं, ट्यूबवेल्स का पानी नीचे चला जाता है, तल नीचे घट जाता है तापमान के कारण, और पंपिंग में मशीनों में काफी किल्लत दिक्कतें आ जाती हैं। और समय समय पर अगर लगातार हम पंप चलाते हैं या चलते हैं तो फूक जाते हैं, वोल्टेज की भी समस्या रहती है क्योंकि विद्युत का भी लोड बढ़ जाता है, सभी लोग कूलर या AC या पंखे लगातार यूज करते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर ये किल्लत तो लगातार चलती है। लेकिन फिर भी हमने इसमें काफ़ी सुधार किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री से मैंने शहर देहरादून के आसपास व शहर देहरादून में बहुत सारी ऐसी घोषणाएं करा दी हैं ट्यूबवेल्स की और मिनी ट्यूबवेल्स की और हैंडपम्प की, जहाँ पर लगभग लगभग इन इलाकों में पानी की किल्लत दूर हम कर पाएंगे। बात ट्यूबवेल की आ रही है, आप ट्यूबवेल की बात कर रहे हैं, पानी सप्लाई की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई सिंडिकेट काम कर रहा है जिससे बिजली और पानी की समस्या जान के उत्पन्न की जा रही है कि उस पर कुछ धन कमाया जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये किल्लत तो हमेशा बहुत पहले से चली आ रही है। आपका सरकार की बात नहीं, पहले भी ऐसा होता रहा है कि गर्मी शुरू नहीं हुई, पानी आना बंद हो जाता है, बिजली कटनी शुरू हो जाती है, ये पहले तो नहीं होता? नहीं, गर्मी में क्यों ऐसा होता? नहीं, ऐसा है कि गर्मियों में मैंने आपको बताया ना कि तापमान इतना हो जाता है, पानी का तल नीचे चला जाता है, और उसके अलावा गर्मियों में लोग विद्युत पावर ज्यादा यूज करते हैं, AC चलते हैं, पंखे चलते हैं और कूलर चलते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी दिक्कत आती है। इतने हमारे ट्रांसफार्मर इतने हैवी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम ट्रांसफार्मर का भी लोड बढ़ा रहे हैं और ट्रांसफार्मर के साथ साथ अब हमने एक और नई चीज, जहाँ जहाँ हमारे ट्यूबवेल्स लगे हैं उनको हमने जनरेटर दे दिए हैं। कितने विधायक हैं जो कि इस तरह की समस्याओं पर काम कर रहे हैं? आप तो चलो बात कर रहे हो, सारी धरातल की बात कर रहे हैं, कितने विधायक ऐसे होंगे जो कि बिजली और पानी की समस्याओं पर आदमी के पास जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, सरकार तक उस बात को पहुंचा रहे हैं? नहीं, वैसे सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। जब पानी बिजली की समस्या आती है तो सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या उठाते हैं, विधानसभा में उठाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी उठाते हैं। हम लोगों ने भी समीक्षा बैठक में सारी समस्याओं को उठाया और घोषणाओं के माध्यम से शहर देहरादून के लिए इतने ट्यूबवेल्स हमने कराए हैं, आने वाले समय में आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। और जितनी भी हमने लाइनें डाली है बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है, ADP के द्वारा भी डाली गई है, बहुत सारे ओवरहेड टैंक अन्य अन्य जगह पर बना दिए जिनको हम संयुक्त रूप से जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इस क्षेत्र में जैसे आबादी भी बढ़ रही है, आपने देखा होगा, जोड़ने के बाद इन क्षेत्रों में पानी की किल्लत को दूर। जैसे आप कह रहे हैं कि ट्यूबवेल लगा रहे हैं, तो ट्यूबवेल का पानी क्या पेयजल के लिए अच्छा होगा? जैसे यहाँ की पहाड़ के भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आदमी लेवन ज्यादा, उसमें चूना ज्यादा है, नुकसान करता है, तो अगर आप ट्यूबवेल लगा रहे हैं तो कितना पीने के लिए सही होगा? ट्यूबवेल का पानी तो सभी लोग पी रहे हैं, उसमें सिस्टम लगा होता है, क्लोरीन डलती है, साफ होता है पानी, ऐसा नहीं है कि, लेकिन कुछ स्थानों पर जैसे डायरेक्ट पानी आ रहा है, पहाड़ों से डायरेक्ट पानी आता है, उन स्थानों पर क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो फिल्टर भी लगाते हैं, समय समय उनको साफ कराया जाता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पानी दिया जा रहा है। एक चीज देखने को मिला कि पिछले काफी समय से सड़कें खुदी, पेयजल की पाइपें पड़ी, क्या हुआ उस पेयजल पाइपों का, क्यों नहीं उससे सप्लाई हो पाई? देखिए, वो ADP द्वारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, हमने ट्रायल्स लूप पर डालामाला या आसपास के क्षेत्रों में हमने करा है,
सभी जगह हमने पानी की लाइनें डाल दी हैं, और अभी महादेवता रायपुर में है, उस क्षेत्रों से पानी हम लाएंगे यहाँ पर, और पानी लाकर उन ओवरहेड टैंकों में डाला जाएगा। उन ओवरहेड टैंकों से फिर पानी की सप्लाई पंपिंग द्वारा की जाएगी, और सभी ट्यूबवेल्स को एक ही साथ मिलाने का प्रयास है, जिससे कि प्रेशर बना रहे। सुनने में आ रहा था कि पिछले सीजन में ही आप उस नई व्यवस्था से पानी दे देंगे, एडीबी का प्रोजेक्ट है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से उस पर मॉनिटरिंग कर रही थी, लगता नहीं कि जिसको काम दिया गया, जिससे काम आप करा रहे हैं, वह सही कंपनियां नहीं थी? देखिए, वो कंपनी एडीबी ने जो जिसको टेंडर दिया था, ठीक है, वो कंपनी ने काफी लेट काम किया है। उनको समय समय पर नोटिस दिया गया, नोटिस देने के साथ साथ उनको वार्निंग भी करा गया कि अगर आप समय पर काम नहीं देंगे तो आपका टेंडर कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी कंपनियां भी आएंगी तो वो उतना समय लगेगी, तो हमने सोचा कि क्यों ना उसी कंपनी से पूरा काम करा लिया जाए, दूसरी आएगी फिर लगभग एक साल लग जाएगा। पानी बिजली की समस्या है, एक मलिन बस्ती की समस्या आपके यहाँ है। मलिन बस्ती पे बहुत लोग काम करना चाहते हैं, आप भी करते हैं, हर विधायक करते हैं, लेकिन एक आरोप लगता है कि मलिन बस्तियों को बसाया भी आप लोगों ने, उजाड़ भी आप लोग रहे हो। सौंदर्यीकरण के नाम पे जब उजाड़ा जा रहा है तो वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, देहरादून शहर और पूरे उत्तराखंड में लगभग, देहरादून में 123 मलिन बस्तियां हैं, पूरे उत्तराखंड में लगभग 500 से अधिक मलिन बस्तियां हैं, और इन बस्तियों में अधिकांश कार्य कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आह्वान किया था कि एक गरीब लोगों, जहां पर बंजर भूमि या नदी नालों किनारे पड़ी है, उसमें आप लोग बस जाओ। तो तब से लगातार आज तक कांग्रेस इस क्षेत्र में काम करती चली आ रही है, और हम लोगों ने मलिन बस्तियां अवश्य बसाई हैं, लोग अपना बसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नदी नालों के किनारे हमने बसा दिए हैं। वो छोड़ने की प्रतिक्रिया तभी चलती है कि जो नदी नालों के किनारे बीचों बीच में खतरे के कगार पर बस जाते हैं, और हमेशा उनको खतरा बनाया जाता है, बस जाते हैं। कहा तो ये जाता है कि कुछ विधायक कांग्रेस के ऐसे हैं जिन्होंने बसा तो दिया, जब उजड़ने की बात आई तो राजकुमार तो दिखाई दिए, वो विधायक तो दिखाई नहीं। ऐसा नहीं है, तो विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जितनी मलिन बस्तियां हैं वह आप ही लोग के क्षेत्र में आती हैं। अभी टूट फूट हुई, अतिक्रमण के नाम पे हटाया गया, तो क्यों आपने नहीं? वो टूट फूट तो उन बस्तियों में हुई है, उन जगह पे हुई है जो बिल्कुल मैं आपको बताने जा रहा था, बिल्कुल नदी के कगार पर बसे हुए हैं, जो उन्हें खतरा है पानी आ जाएगा, बह जाएंगे, जान माल का नुकसान होगा, उन लोगों को वहां पे हटाया जाता है। और जो लोग जिन पे पानी बिजली सरकार ने दे दिया है, नगर पालिका ने दे दिया है, नगर निगम ने दे दिया है, और विधायक ने, एमपी ने, नगर पालिका से, इरीगेशन ने, पीएलडी ने, सभी लोगों ने वहां पे अनेकों कार्य कर दिए हैं, तो जब वहां पे इतने कार्य हो गए तो उनको वहां से हटाया जाना उचित तो नहीं होगा। और हमने सारे डेवलप कर दिया वहां पे, चाहे सामुदायिक भवन रहा हो, या आंगनबाड़ी रही हो, सुलभ शौचालय रहे हो, या चिकित्सा रहा हो, या वहां पर कोई प्राइमरी स्कूल है, या ओवरहेड टैंक है, मतलब सब सारी सुविधा गवर्नमेंट ने दे दी है, तो उनको उठाया जाना वहां से उचित नहीं होगा। उठाते हैं उन लोगों को जो गलत बसे हुए होते हैं, बहने के कगार पर होते हैं, खतरे की। देहरादून में देखने को मिलता है कि मलिन बस्तियों के लिए राजनीति बहुत हो रही है। राजकुमार भी मलिन बस्तियों के लिए लड़ रहे हैं, काऊ प्रधान भी लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस के नेता हैं दसमाना जी भी लड़ रहे हैं, पूरे सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर देते हैं। तो ये क्या आपको लगता नहीं कि ये सरकार या कांग्रेस की छवि इस तरह से नहीं बन पाएगी? तीनों आदमी या जितने लोग हैं मलिन बस्तियों के लिए एक मंच पे आप लड़ाई करें। देखिए, हम लगभग 30-31 सालों से मैं भी लगातार मलिन बस्तियों में काम करता चला रहा हूँ, और 4 बार नगर निगम नगर पालिका में पार्षद रहा हूँ, और उन्हीं के कारण ही मैं आज विधानसभा पहुंचा हूँ। तो हम लोग तो बहुत पुराना काम करते आ रहे हैं, लेकिन और लोग भी इस पे काम करते हैं, तो हम लोग रोक तो नहीं सकते, लेकिन हमारे काम करने का तरीका दूसरे तरीका होता है कि जो बिल्कुल सही जगह बसे हुए हैं, उसी जगह बसे हुए हैं जिन्हें कोई खतरा नहीं है, उन स्थानों पर हम सरकार द्वारा काम कराते हैं, और हमने काम भी कराए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने उत्तराखंड विकास समिति का मेरे को अध्यक्ष बनाया, और मैंने देहरादून ही नहीं, रुड़की, हरिद्वार, नैनीताल, रामनगर, रुद्रपुर और हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में सभी मलिन बस्तियों का दौरा किया। ऐसे मसूरी और विकासनगर हरबरपुर मलिन बस्तियों का दौरा करके मैंने वहां की समस्याओं से अवगत माननीय मुख्यमंत्री को भी कराया। बात मलिन बस्तियों में काम करने की नहीं है, बात मलिन बस्तियों में मालिकाना हक देने की है, बात मलिन बस्तियों में और सुविधाएं देने की है, क्योंकि हमारी सरकार अधिकांश मलिन बस्तियों में लगातार जैसे काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों की जो जो किल्लतें हैं मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई है, और एक रिपोर्ट मैं तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं उसको माननीय मुख्यमंत्री को पेश करूंगा। राजकुमार जी, एक आरोप हमेशा लगता रहा है, आप विधायक भी हैं, कि मलिन बस्तियां जब बसाई गई तो पैसा लेके बसाई गई, इस पे कितने सत्य? ऐसा कुछ नहीं है कि मलिन बस्तियां पॉलिटिकल लोग पैसा लेके उन्हें बसाए
और भैया थी वोट बैंक की राजनीति। नहीं, वोट बैंक की मैं मांग सकता हूँ, वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, लेकिन पैसे लेने वाली कहीं ऐसी बात नहीं आई है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र में चाहे नदी रिश्ना हो, बिंदाल हो, या नाले खाले हो, या कहीं भी बंजर भूमि या नगर पालिका की रही हो, इरीगेशन की रही हो, वन निगम की है, या कोई भी विभाग की भूमि रही हो, चाहे रेलवे की रही हो, हमने लोग अपना बसे हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पे बसाए भी हैं, और हमने वहाँ पे डेवलप करने का काम किया है, लेकिन पैसों वाली कहीं ऐसी बात नहीं आती है। हाँ, कुछ भैया नेता अगर ऐसा करते हैं तो बदनाम करते हैं, सरासर गलत है, उनके खिलाफ एक्शन होना बिल्कुल होना चाहिए, अगर पता चलेगा तो उनके खिलाफ एक्शन बिल्कुल कराएगा, कार्रवाई होगी और करेंगे भी हम। आप पार्षद भी रहे, विधायक भी हैं, आज राजमंत्री भी हैं, आपके क्षेत्र में रिस्पना पुल आता है, रिस्पना नदी आती है, देहरादून में बड़ा महत्वपूर्ण है इनका स्थान है, तो रिस्पना के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं? देखिए, रिस्पना के लिए अभी हाल फिलहाल में मेरे पे रिस्पना भी है, बिंदाल भी है, और बीच में शहरी क्षेत्र की और मिलिंग बस्तियां भी जो नाले खाले के किनारे बसी हुई हैं, उसमें चाहे महंजी की जमीन हो, या इरीगेशन की जमीन हो, या नगर पालिका नगर निगम की जमीन हो, ऐसे हमने रिस्पना के किनारे किनारे एक सड़क बनाने का भी एक प्रोग्राम बनाया है, और उसमें अभी काम भी चल रहा है। इसके अलावा हमने वहाँ पे सुरक्षा वाल लगाने के लिए भी प्रयास किया, और बहुत सारी जगह हमने सुरक्षा वाल भी लगा दिए हैं। सुरक्षा वाल लग जाने से ये रहता है कि आदमी आगे नहीं बढ़ पाता, नहीं तो धीरे धीरे सुरक्षा वाल नहीं लग पाती तो आदमी आगे बढ़ता रहता है, नदी की तरफ बढ़ता रहता है, और वो खतरे का घर हो जाता है, फिर उन्हें समय समय पर हमें हटाना पड़ता है। अब सुरक्षा वाल काफी हद तक लग चुकी है, लेकिन बहुत सारे स्थानों पर अभी नहीं लग पाई है। हमारा प्रयास हो रहा है कि आपदा की प्रवृत्ति में आकर उनको सुरक्षा वाल लगा दी जाए, और उनको एक सेफ करा जाए, और उनको आगे बढ़ने से भी रोका जाए। देहरादून के बीच से दोनों नदियां जाती हैं, रिस्पना की बात कर लें, बिंदाल की बात कर लें, जो आप नदी की बात, इनके सौंदर्यीकरण के लिए कभी कोई सरकार नहीं सोचती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सौंदर्यीकरण के लिए अभी हमने योजना बनाई है, और अभी बहुत जल्दी इस पे काम भी हो रहा है। एमडीडीए से भी हमने कहा था, उसने भी काम करा है कि नदियों के किनारे जो हमारी लैंड पड़ी हुई है, नदियों के किनारे जो कुछ लोग अवैध बैठे हैं, उनको हटाकर और उनके पुस्ता तक नहीं बन पा रहा है, पुस्ता बन रहा है समय समय पर, अब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हर जगह तो पुस्ता नहीं लग सकता, जहां संभव लगाना होता है हम लगाते हैं, जहां सुरक्षित होता है वहां लगाते हैं, अब ऐसा रहने की बिल्कुल नदी के बीच बीच में सुरक्षा लगा दिया जाएगा, पुल के अंदर लगा दिया जाएगा, लोग इसी नदी में पूरे कूड़े डाल रहे हैं। हाँ, कूड़े डालने की समस्या नगर निगम की भी आप ठीक कह रहे हैं, लगातार खराब चल रही है बड़ी, नगर निगम की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ वर्कर ठीक नहीं है, हमने शासन से भी बात करी है कि कुछ आदमी को बढ़ाया जाए, अभी नाला गैंग के उसमें हमने कुछ लोग बढ़ाए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से लगातार बात भी करी है, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं नदी रिस्पना और बिंदार का दौरा करा, और वहाँ सफाई के लिए सारा जितना भी कूड़ा करकट पड़ा था पिछले बार में टेंडर करा था, वहाँ सफाई भी हुई है, काफी उससे राहत मिली थी आम जनता को। लेकिन अभी आने वाला समय में ऐसा लगता है कि जो टेंडर WBM को दिया गया था वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा, उसको मेरे ख्याल हटा दिया गया, नेक्स्ट टेंडर निकालने का प्रयास चल रहा है। अभी मेरी MNA से और प्रमुख सचिव गब्याल से वार्ता हुई है, और बहुत जल्दी शहरी क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था ठीक होगी। फ्लाईओवर को लेकर भी सरकार निशाने पे है, निर्माण कार्य कायदे से नहीं है, प्रगति नहीं हो पा रही है, जाम लग रहे हैं, तो इसके लिए आपने मुख्यमंत्री से अपनी बात रखी? देखिए, पब्लिक लगातार आप देख रहे हो कि हर जगह बढ़ रही है, शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, आज जहाँ पे लोग नहीं भी जाया करते तो वहाँ भी जा रहे हैं, गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं, ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है, इन सभी मुद्दों पर लगातार हमारी समीक्षा बैठक होती रहती है, और हम बात करते रहते हैं, और हम भी खुद स्वयं जाकर मौके पर देखते हैं, और अधिकारीगण को बुलाते हैं, चाहे शहर में जाम का रहा हो, या फ्लाईओवर की बात रही हो, या फुटओवर ब्रिज की बात रही हो, या सबवे की बात रही हो, तो ये फोटो फ्लाईओवर बन रहे हैं, कंपनी ने काम ले रखा टेंडर होगा वो, हाँ धीमी गति से जरूर कर रहा है, लेकिन उसमें अभी कई जगह पे स्थान पे लोगों ने मुद्दा उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री भी मौके पे गए थे और मंत्रीगण भी गए थे, तो उन्होंने उसमें तेजी से काम लाने को कहा है, और अब काम तेजी से चल रहा है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी संसदीय सचिव राजकुमार से चर्चा जारी रहेगी। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो, एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में, इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो वहाँ शौचालय। केश के आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रस्तुत करता है समर्थ लोया एनक्लेव आवासीय योजना देवपुर पारा पंजीकरण 30 मई 2015 तक EWS G12 EWS S12 LIGS 19 MMIGA BS 19 MIGBS 19 SMIGBS 19। पंजीकरण में जानकारी हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट www.ldalakhnau.co.in पर संपर्क करें। जज्बों को पार लगा
नवजात को कलम बना रहा है। ख्वाबों को, ख्वाहिशों को आवाज मिल रही है। हर पंख को यहाँ परवाज मिल रही है। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून और भीमताल नैनीताल। जज्बों को पार लगा लो, शिद्दत को कलम बना लो। ख्वाबों को, ख्वाहिशों को आवाज मिल रही है। हर पंख को यहाँ परवाज मिल रही है। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून और भीमताल नैनीताल। केंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर वन वाटर प्यूरिफायर। आईएमए से प्रमाणित केंट आरओ का पानी बॉइल्ड पानी से भी सेफ है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। मिशन इंद्रधनुष अभियान को सफल बनाना है। झारखंड के 6 जिलों में 100% टीकाकरण को संपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाना है। चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, कुकुर खांसी, टेटनस, निमोनिया और मेनिनजाइटिस को जड़ से मिटाना है। हम सभी से अपील करेंगे, माताएं बहनें से, कि अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करा लें, ताकि हमारे बच्चे, आने वाला जनरेशन पुष्ट रहे, शरीर से बलवान रहे। आपके बच्चे कभी न हो बीमारियों के शिकार, क्योंकि इंद्रधनुष अभियान पहुंचेगा आपके द्वार। समझदारी दिखाएं, संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। क्या आप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कॉलेज देख रहे हैं? कहीं आप IIBM के झांसे में तो नहीं आ रहे? IIBM और उसके मालिक अरिंदम चौधरी पर दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर की IPC की धारा 430 के तहत FIR। UGC ने दर्ज कराई FIR। UGC का कहना, IIBM ने किया बच्चों को गुमराह और डिग्री के नाम पर छात्रों को दिया धोखा। कोई यूनिवर्सिटी से नहीं एफिलिएशन, सिर्फ कागज का सर्टिफिकेट, कोई मान्य डिग्री नहीं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। शान और शौकत से रहने वाले अरिंदम चौधरी पर जल्द होगी पुलिस की कार्रवाई। डिग्री चाहिए तो ना जाएं IIBM। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सातवें दिन सभी न्यूज चैनलों पर। IIBM पर FIR। सियासत से लेकर समाज तक उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर खबर देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम यूपी दिस वीक। ब्रेक के पहले राजकुमार जी, चर्चा चल रही थी विकास कार्यों को लेकर, मरीन बस्तियों को लेकर, राजनीति पे बात करते हैं जी। कांग्रेस का पूरे देश में ग्राफ गिर रहा है, लोगों की बड़ी उम्मीदें थी उत्तराखंड से, हरीश रावत ने संभाला भी, लेकिन जिस तरह की राजनीति कांग्रेस के साथ चल रही है, सरकार और संगठन में चल रही है, लेकिन लोगों को लगा नहीं कि सरकार संगठन में ऐसा होगा, तो जिस तरह की राजनीति चल रही है उससे आपको लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा मोदी लहर अभी चली थी, मोदी लहर ठीक है, हराजी ने उनको देखा और समझ भी गए हैं कि क्या महंगाई, बैंक में कितना पैसा आना, क्या आना, किसके आया नहीं आया, क्या है, हवा उड़ाकर अब बोर्ड लेकर राजनीति कर ली, तो उससे कुछ नहीं होता। उत्तराखंड में आपने देखा होगा पिछले 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें हमारी सीट है, 34 सीट भी हमने अभी भारी बहुमत से जीती है। तो ये ग्राफ हमारा गिरा नहीं है, ग्राफ लगातार बढ़ रहा है हमारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तेजी से। उत्तराखंड में ग्राफ गिरे, देश में ग्राफ, मैंने क्या कहा, देश में ग्राफ गिर रहा है। आप देखिए कई स्टेट में हाँ पार गए, लेकिन लोग ये सोचते थे उत्तराखंड में मजबूत सरकार है। आप 36 के आंकड़े पार कर चुके हैं, 35 के आंकड़े पार करके 36 पे आ चुके हैं, उपचुनाव भी जीत चुके हैं पूरे बहुमत में, लेकिन जिस तरह से कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है, कभी PDF को लेके, कभी नए मंत्रिमंडल को लेके, तो उस पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो 2017 में चुनाव होने हैं उसकी जीत पे संशय की बात नहीं पड़ रहा है? नहीं देखिए, जैसे आप ग्राफ की बात कर रहे हैं, देश में ऐसा नहीं है कि ग्राफ गिरा है। और आप स्थिति में देखो बीजेपी के, वो देखो जब 2 सीटें आया करती थी और हम तब भी इतनी सीटों पर रहते थे, और आज भी ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास 40 या 45 जो भी 42 सीटें हैं वो हम इतने कम भी नहीं है। राहुल जी लगातार भाग भाग के, दौड़ दौड़ के हर क्षेत्रों में जाकर लगातार काम कर रहे हैं। सोनिया जी काम कर रही है, उत्तराखंड में माने हरीश रावत जी काम कर रहे हैं, माने पूर्व मुख्यमंत्री भोरा जी काम कर रहे हैं, हमारे सारे मंत्रीगण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी अच्छे काम का परिणाम है कि आज हमने ये 4 सीटें लगातार हम जीते हैं। किशोर उपाध्याय के अध्यक्ष बनने के बाद लोगों को ये लगा कि हरीश रावत के गुट के अध्यक्ष बन गए हैं, अब सब नॉर्मल हो जाएगा, सब स्मूथ चलेगा, लेकिन पिछले दिनों देखिए टिहरी में सम्मेलन हुआ, वहां भी सरकार के खिलाफ बातें निकल के आई,
साथ में किशोर उपाध्याय को जिस तरह से हरीश रावत के साथ खड़े थे, अब कहीं लगता है आपको कि किशोर उपाध्याय हरीश रावत में कुछ अंडरस्टैंडिंग खराब चल रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, काम करने का अपना अलग अलग तरीका है, लेकिन बैठकों में आपके सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को टारगेट पे ले लेते हैं, चाहे खनन का मामला हो चाहे अपराध का मामला हो। तो आप कोई ऐसी बातें होती हैं, अब अपराध होता है तो बातें उठाई जाती है ना समय पर। अगर कोई खनन को लेकर बहुत ज्यादा बवाल बच रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है या गलत कोई ऐसा स्टेप उठ गया है, माननीय मुख्यमंत्री हर चीज को तो नहीं जान पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके कानों में बात डाली जाएगी तभी तो उस काम को रोका जाएगा। अगर हम ही पार्टी में रहकर बातें उठाएंगे तो आगे कैसे काम करेगा, पार्टी हित में कैसे चलेगी, पार्टी का सरकार संगठन इसीलिए मैं कर रहा हूँ ना, संगठन का विस्तार होता है। कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को पद दिया जाता है। अभी महानगर अध्यक्ष बनाया गया, वो भी कंट्रोवर्सी में आ गया है कि किशोर उपाध्याय ने अपने मन से बिना किसी के पूछे एक आदमी, ऐसे आदमी को अध्यक्ष बना दिया जो कि डिजर्व नहीं करता था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है कि सरकार और संगठन में अच्छी सामंजस्य नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सालों से महानगर खाली पड़ा हुआ था और कई लोगों को राय भी ली गई, कई लोगों की जानकारी भी ली गई, सभी से जानकारी लेकर जो उचित बैठा है हमारे अध्यक्ष जी ने उसको वही निर्णय लिया है, और जो लिया है वो हमें मंजूर है, और हम कांग्रेस के हित में जो भी काम करेगा हमारे को मंजूर रहेगा। मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही है, रावत टीम में 12वां खिलाड़ी कब तक आएगा? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पर है, सोनिया जी के विवेक पर है, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। नहीं, मंत्री को बनाने के लिए सोनिया जी का विवेक क्या उसमें? नहीं, वो उसमें राय तो ली जाइए, मुख्यमंत्री है, राय तो ली जाइए, मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं। किसको बनाना है ये आप पूछ सकते हो, लेकिन कितना दिन हो गया आप बताइए। स्वर्गीय हुए मंत्री जी, उसके बाद उनकी पत्नी जीत भी गई, लोगों को उम्मीद थी अब बनेंगे, लेकिन अभी भी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। निर्णय हो जाएगा, कोई ऐसा इतना बड़ा वो नहीं है, मुद्दा की नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री का यह विभाग है और बहुत तेजी से उसमें काम चल रहा है, समाज कल्याण विभाग है, और जितने भी रोड विभाग थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी पे है, उसमें काम तेजी से चल रहा है, और बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा और बहुत जल्दी इसमें कोई ना कोई मतलब। हरीश रावत काम नहीं कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, भाजपा भी डरी हुई है, चुनाव सामने है, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से सरकार या संगठन में ये मतभेद दिखाती है ना कि भाई इतना दिन हो गया मंत्री नहीं बनाए गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसी लड़ाई ही इसका कारण? नहीं, देखो, पार्टी में कई दावेदार होते हैं, ये निर्णय सोच समझ के लिया जाता है, और ये माननीय मुख्यमंत्री विवेक पे है या सोनिया जी करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे, वो जो भी निर्णय लेंगे उचित निर्णय लेंगे। रश्मा जी, चर्चा ये भी है कि अगर फेरबदल होता है तो बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनके काम को लेकर समीक्षा की गई है, हरीश रावत ने सोनिया जी से भी बात की है, तो कुछ मंत्री बदले जाएंगे, तो ऐसे में जब मंत्री बदले जाएंगे तो क्या आप समझते हो कि चुनाव सामने 1.5 साल रह गया है तो सरकार कांग्रेस पे फर्क नहीं पड़ेगा? देखो, अभी मंत्री बदलने की तो कोई ऐसी बात कहीं आई नहीं है, अगर कहीं आती है तो पार्टी के हित में होगा, क्योंकि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस टाइप का निर्णय लेंगे तो पार्टी के हित में लेंगे, कोई ऐसे पार्टी के उसमें निर्णय भी नहीं लेंगे। और मंत्री अगर कोई आप अपनी दावेदारी भी पेश करेंगे काम, ये तो पार्टी सोचेगी, मैं अपना खुद अपनी दावेदारी सोचूंगा कि मैं कितना काम कर रहा हूँ। आप 3 बार पार्षद रहे हो, पहली बार विधायक लड़े और अच्छे मतों से जीते, अच्छा टक्कर दिया, तो क्या आप अपनी दावेदारी नहीं? नहीं, दावेदारी तो देखो हर आदमी करता है, लेकिन अभी देते हैं, अभी हमारे से बहुत कई सीनियर बैठे हैं, अभी उनके ही नंबर आ जाए तो हमारा अपना भी आ जाएगा। चर्चा ये होती है कि कांग्रेस के 36 विधायक हैं, उसमें राजकुमार कुछ ऐसे विधायक हैं जो कि काम करते हैं, उसमें एक राजकुमार आते हैं। नहीं, वो ठीक है, काम करना भी चाहिए पार्टी के लिए, तो पार्टी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, टिकट दिया है, और जैसे मान सम्मान दिया है, तो उसके हक में लोग काम करने हैं, और पार्टी को आगे हम बढ़ा भी रहे हैं, बढ़ाएंगे भी, और आगे जब तक रहेंगे काम करते चले आएंगे। जब तक रहेंगे क्या मतलब? भाई, जब तक जिंदा रहेंगे, कहने का मतलब यह है कि जब तक रहेंगे पार्टी से काम करेंगे, क्योंकि हम पार्टी छोड़े जा रहे हैं। एक आरोप लगता रहा है सरकार पे कि उन्होंने संसदीय सचिव बना दिया, राज्यमंत्री बना दिया आप लोगों को, लेकिन सुख सुविधाएं नहीं दे पा रही है, क्या इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी टीम खड़ी हो गई, लेकिन आप देखो, आपको आप अपने लोगों को भले अपने साथ जोड़ ले रहे हो, लेकिन सरकार पूरी तरह से आपका खर्चा वर्चा नहीं दे पा रही है, जो चीजें कमिट किया गया है, जो लीगली है, उसको भी नहीं दे पा रही है, इसके पीछे क्या है? बातें कई आई हैं कि अभी थोड़ा सा दिक्कत तो कई जगह आ रही है कि विभाग दे दिए हैं, काम नहीं चल पा रहा है,
और फाइलेरिया है कि जबरदस्ती काम कर ले रहे हैं, जो विभाग नहीं है उसका भी काम कर ले रहे हैं, लेकिन ये कहीं से सही है, ये मैसेज गलत मैसेज गलत नहीं है, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता करी है कि विभाग आपने दिए हैं तो कम से कम फाइलें उनको भेजो और जो हिसाब आपने दिया है उनको उचित तरह से काम करें वो, और काम में तेजी आएगी। मैं तो माननीय मंत्रीगण से भी मैंने हमने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई जो संसदीय सचिव हैं उनको प्रॉपर तरीके से काम दिया जाए तो अच्छा लगता है, मिलजुल के काम करेंगे उनके काम में तेजी आएगी और हम भी अच्छा काम कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि गुटबाजी को शांत करने के लिए उन्होंने बना तो दिया लेकिन उन्होंने रोक लगा दी कि भाई जो हमारे गुटका नहीं उसको काम नहीं दिया जाएगा। नहीं नहीं ऐसा गुटबाजी वाला काम नहीं किया जाएगा, वो सभी के सभी के साथ ही ऐसी हो रहा है, गुट वाला तो काम है नहीं। जो हैदराबाद गुट के लोग हैं वो तो पूरी सुविधा ले रहे हैं, जो बहुड़ा गुट के हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, जो दूसरे गुट के हैं उनको नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, सभी लोग शिकायत वही कर रहे हैं, सुविधा नहीं, शिकायत करने वाली बात है वो, तो मैं भी खुद कह रहा हूँ कि संसदीय सचिव को काम मिलना चाहिए और वो माननीय मंत्रीगण से भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि भाई हमें काम दो, हम और काम तेजी से करें तो आपको भी और हेल्प मिल पाएगी और हम भी काम बढ़ा पाएंगे। चार चार अच्छे अच्छे विभाग लोगों पर हैं, हर विभाग में नहीं हो पाता ठीक ढंग से काम, तो हमें अगर थोड़ा देंगे काम तो हम और तेजी से करें, नहीं तो हम तो काम कर ही रहे हैं, हम तो जनता में रहकर काम कर रहे हैं, नहीं तो इनको संसदीय सचिव के भी विभाग में फेरबदल करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप एक्टिव हो तो आपको कोई अच्छा सा दे दें जिससे कम से कम आप अपना 100% दे सको, अपना जितना जो पोटेंशियल आपके अंदर है वो कर। कुछ तो ऐसे संसदीय सचिव जो खाली सोए रहते हैं, तो आपको लगता नहीं कि जो संसदीय सचिव एक्टिव है उनको कुछ इम्पोर्टेंट विभाग दिए जाए, अपने साथ जोड़ा जाए? माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, देखना चाहिए उनके आधार पर है, देख रहे हैं, चर्चा करते हैं, समय समय पर चर्चा भी करिए, इसमें बात भी करिए कि काम तेजी से होना चाहिए, आने वाला समय इलेक्शन का समय है 2017 हमारा, और काम अगर तेजी से हम नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी पार्टी कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे और मुख्यमंत्री कैसे बढ़ पाएंगे। तो काम तो काम होता है, वो हमने कई बार इसमें वार्ता भी करी है और ये होनी भी चाहिए, जो उचित बात है उसको होनी चाहिए, उसमें हम कहने से कहीं चूकते हैं। पूरे आपके पास पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, आपका भी कुछ ऐसा प्लान है कि पहाड़ों पे जाएं और जो संसदीय सचिव के नाते आपके पास जिम्मेदारी दी गई है उसका विस्तार किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए? मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पे, मैं गया हूँ, लगातार गया हूँ, अभी भी मेरा दौरा है, उससे पहले भी मैं लगातार जब से मैं बना हूँ मैं लगातार हर जिले में जाकर विजिट कर रहा हूँ, वहाँ की समस्या जान ले रहा हूँ और उनकी पूरी रिपोर्ट बना रहा हूँ, और सारी रिपोर्ट बनाकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक दो बार तो मैंने अवगत करा भी दिया और रिपोर्ट बनाकर मैं बहुत जल्दी दे रहा हूँ, और आने वाले समय में जिन जिन स्थानों पर हम जा रहे हैं वहाँ पर सुधार भी हो रहा है, वहाँ काम तेजी से चल रहा है। ये थे संसदीय सचिव राजकुमार, जिन्होंने बखूबी अपनी बात को और सरकार को भी बचाया, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले चुनाव में 2017 में चुनाव होना है तो ये विधायक के नाते पुनः वापस आए और अपने काम के बल पे आए। धन्यवाद, देखते रहिए साधना न्यूज। लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रस्तुत करता है समारोह लोया एनक्लेव आवासीय योजना देवपुर पारा पंजीकरण 30 मई 2015 तक EWS G12 EWS S12 LIGS 19 MMIGBS 19 MIGBS 19 SMIGBS 19 पंजीकरण में जानकारी हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट www.ldalakhnau.co.in पर संपर्क करें। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और पाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल केंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर। आईएमए से प्रमाणित केंट आरओ का पानी बॉइल्ड पानी से भी सेफ। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। नमस्कार, खास बात पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालिवान जी, और संजीव बालिवान जी के बारे में हम सबसे पहले ये बताएं कि आमतौर से एक नेता की जो कहानी होती है वो हमारे देश में भ्रष्टाचारी या किसी कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए लोगों को हम लोग शायद नेता कहते हैं। एक इस शख्सियत जिनके साथ हम खास बात करने जा रहे हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो चर्चा हुई, लेकिन वो चर्चा हुई अपने समुदाय अपने गांव अपने क्षेत्र के लिए आगे बढ़कर के कुछ करने की। अब उस हर पहलू के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा क्या है बुरा क्या है वो तो जनता ने उसका डिसीजन लिया, और वही डिसीजन के तहत आज वो सांसद बनकर के आए, तो मुझे लगता है शायद जनता ने इनको अपने जो जो न्याय जो दिया है मुझे लगता है सबसे सर्वोपरि वही न्याय है। और आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या सचमुच उन्हें लगता है कि क्या जो समाज ने जो एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है उस प्रक्रिया में उनका क्या उसमें योगदान होने जा रहा है और सरकार में बैठकर क्या योगदान होगा। संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में
हर समुदाय के लोग हैं, बड़ा राज्य है, तो संजीव बालियान जी के बारे में लोगों की अलग शायद कुछ भ्रम हो सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन आपका दिया। आखिर क्या ये वजह क्या है, क्यों संजीव बालियान जो अपने क्षेत्र में इतनी बार विधायक रहे और आज इस बार सांसद चुनकर